हेलो दोस्तों, अभी अभी यूपी जेल वार्ड ऑफ फायरमैन का एडमिट कार्ड जारी हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यूपीपी कॉल लेटर कैंडिडेट्स लॉगिन। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि एग्जांपल के लिए आप देख लें, जो भी कैंडिडेट्स लोगों का सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, उनके लिए एक एडमिट कार्ड जारी किया गया है। तो आप लोग को कैसे अपना एडमिट कार्ड चेक करना है, सबसे पहले वो देख लें। देखिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये होगा, ठीक। आपको ये 10 डिजिट का नंबर होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन आपका फायरमैन के लिए सेलेक्ट हुए हैं या फिर जेल वार्डर के लिए सेलेक्ट हुए हैं या हॉर्स राइडर के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो उसके पहले जैसे फायरमैन के लिए आपको एफ आगे लगा के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, और जेल वार्डर के लिए जे लिखकर आगे जे लिखकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, और हॉर्स राइडर के लिए आपको एच लिखकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना जे भी होगा एफ चाहे जो भी होगा, अपना लिखकर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे आपको आई एम रोबोट पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड जो है कि अपना डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। और दोस्तों, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल 49,568 जो वैकेंसी थी, उसमें बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसका मेडिकल आज से स्टार्ट हो गया। 8 मार्च से मेडिकल स्टार्ट हो गया है, 31 मार्च तक इनका मेडिकल होगा। तो दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि फायरमैन का भी, जेल वार्डर का भी एग्ज़ाम दिए थे, उन लोग का भी सिलेक्शन इसमें, जेल वार्डर और फायरमैन भी सिलेक्शन हुआ है, यूपी पुलिस कांस्टेबल भी सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि जेल वार्डर न ज्वाइन कर वो सिविल पुलिस ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ जो कि लो जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए एक लाइक कर दें वीडियो को दोस्तों।